लेकिन चौधरी देवीलाल कोई नहीं बन सकता। वो स्वयं अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे जिनका मुकाबला ना तो कोई करने वाला पैदा हुआ है ना कोई होगा। जो छवि अभय सिंह जी की पहले बनाई गई थी उसमें आज जब लोगों के बीच में निकल करके गए, लोगों से मिले, तो लोगों को पता लगा कि असलियत में अभय सिंह जी का व्यक्तित्व कैसा है। IIT, JEE, NEET, NDA, UPSC फाउंडेशन के लिए अब कोटा सीकर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। फिलहाल हमारे साथ कर्ण सिंह चौटाला मौजूद है और लगातार 3 महीने का सफर इस परिवर्तन यात्रा को होने को जा रहा है। भिवानी गढ़ माना जाता था चौधरी देवीलाल की बात कर ले या चौटाला परिवार का, हालांकि राजनीतिक जो माहौल बना उसको लेकर के आप सब जानते हैं, लेकिन फिलहाल ये परिवर्तन यात्रा क्या रंग लाएगी? आपका वजन तो काफ़ी कुछ टूट गया है। वजन तो यात्रा से पहले ही टूट गया था, पर हाँ यात्रा के अंदर लोगों से मिलते जा रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ है, और अब की बार महिलाएं काफ़ी संख्या में निकल करके आ रही हैं, क्योंकि आज महंगाई की मार से सबसे ज़्यादा कोई दुखी है तो वो महिलाएँ हैं। क्या नज़र आता है आपको जिस तरीके से लोगों का? अभी मैंने देखा किसी को वक्त मिलता है, कोई लड्डू खिला देता है चौटाला साहब को, कोई फूलों की माला, मतलब इतना प्यार मिल रहा है, क्या कुछ नज़र आता है आपको? कहीं ना कहीं ये एक परिवर्तन है। जो छवि अभय सिंह जी की पहले बनाई गई थी उसमें आज जब लोगों के बीच में निकल करके गए, लोगों से मिले, तो लोगों को पता लगा कि असलियत में अभय सिंह जी का व्यक्तित्व कैसा है। इस करके ये बदलाव है, परिवर्तन है, और कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार बनी हुई है जो दोनों हाथों से प्रदेश को लूट करके खा रही है। आजकल मुख्यमंत्री जी जनसंवाद कर रहे हैं, किस प्रकार से उनका रवैया जनता के प्रति है, किस प्रकार की बातें वो कहते हैं, टिप्पणियां करते हैं, उससे पता लगता है कि असली में नेता कौन है। आपके सिरसा की भी जनसंवाद की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कुछ वीडियोज वायरल हो रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को इस इलाके में? आपका जो दबदबा है, आपके प्रति प्यार है, इस कारण करके ये माहौल है, या फिर पूरे हरियाणा में आपको ये नज़र आता है? ये पूरे हरियाणा में नज़र आया था, भिवानी में इसकी शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री से जब बिजली के बारे में बात करी गई तो मुख्यमंत्री ने किस प्रकार 3 बार कहा था, नहीं दूंगा, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, यहाँ से भी इस प्रकार का रवैया था। यहाँ पर भी कुछ गांवों में इस प्रकार की टिप्पणियाँ हुई थी। सिरसा में सरपंचों ने तो अपनी बात रखनी चाहिए थी, ना तो हमारा कोई नुमाइंदा वहाँ पे था, किस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट ये कहा, ये तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, ले जा करके पीटो उसे, बड़ी निंदाजनक टिप्पणियाँ थी। मुख्यमंत्री का एक ओहदा नहीं है ऐसे काम करने का। हम कई बार फील्ड में निकलते हैं तो लोगों का एक ये जनसंवाद शुरू हुआ, तब वो कह रहे थे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल की भांति पब्लिक के बीच में, दिलों में बसना चाहते हैं, क्या आपको भी लगता है? और उस तरीके का प्यार क्या मिल पाएगा जो चौधरी देवीलाल को मिला एक मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को? वो प्यार तो दिख गया ना, जब किस प्रकार एक महिला सरपंच ने अपनी बात रखनी चाहिए, जब उसका विरोध किया, किस प्रकार उसको स्टेज से उतारा गया। आप अगर किसी का मान सम्मान नहीं करते तो उनको बुलाइए मत, फिर उनको अपमानित ना कीजिए बुला करके। इन्होंने प्रयास करा कि ये चौधरी देवीलाल बन सकते हैं, लेकिन चौधरी देवीलाल कोई नहीं बन सकता। वो स्वयं अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे जिनका मुकाबला ना तो कोई करने वाला पैदा हुआ है ना कोई होगा। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करे, चौटाला साहब ने वहाँ पर ये बड़े कामयाब हुए, उन्होंने कोशिश करी उसको कॉपी करने की, लेकिन वो तो इस चीज़ में फेल हुए हैं। अच्छा, कर्नाटक की बात करें, जिस तरीके से कहा जा रहा है कांग्रेस की जीतने के पीछे भारत जोड़ो यात्रा रही, जिस तरीके से राहुल गांधी निकले थे रोडों पर, क्या हरियाणा में भी ये परिवर्तन यात्रा जो है ये रंग लाएगी, इस तरीके से का रिजल्ट निकलेगा? डेफिनेटली रंग लाएगी, जब जनता के बीच में जाएंगे, मिलेंगे, संघर्ष करेंगे, उनको अपनी बात रखेंगे, उनसे उनकी दिक्कतें पूछेंगे, जब उनकी बातों का समाधान उनको बताएंगे, तो डेफिनेटली लोग बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बात करें जिस तरीके से एक राज परिवार ही कहा जाता है, आपके वहाँ की महल की बात कर लें और चीज़ों की, आप लोग इतने महीने से निकले हैं, गर्मी इतनी भयंकर है कि आम आदमी भी उस गर्मी में बाहर नहीं रह सकता, आप लगातार कई दिन से इस यात्रा में शामिल हैं। चौधरी साहब की बात कर लें, उनके पैर की जो वीडियोज आई थी, जिस तरीके से स्वेलिंग आई उनको, ब्लीडिंग तक की वीडियो आई है, ये क्या दिखाता है, क्या कुछ माहौल जनता समझेगी, क्या कुछ लगता है कि अपने हरियाणा में है कि खून पसीने की रंग मेहनत रंग लाती है, तो ये रंग लाएगी मेहनत? आप बिल्कुल रंग लाएगी। हम उस शख्सियत के वंशज हैं जिन्होंने संघर्ष में कमी नहीं छोड़ी, उनके बाद चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे, उन्होंने भी इसी प्रकार संघर्ष किया, और अभय सिंह जी भी ठीक उसी प्रकार कर रहे हैं। हमें तो आज भी प्रेरणा मिलती है चौटाला साहब को देख करके। जब मुझे याद है ये यात्रा शुरू हम कर रहे थे, उससे पहले एक मीटिंग बुलाई गई थी, हमने उनको सारा ब्रीफ किया था कि क्या यात्रा का पैटर्न रहेगा,
हमने उन्हें सारा रूट बताया था, हमने उनसे सलाह ली कि हमारे को इसमें क्या करना चाहिए, कोई बदलाव करना चाहिए। तो उस मीटिंग के अंत में उन्होंने एक ही बात कही थी कि भाई अबे तेरी यात्रा मैं कर दूँ। तो फिर हमने हंस करके पूछा उनसे, आप कैसे करोगे? कहते मैं व्हीलचेयर पे कर दूंगा। आज भी उनका ये जुनून देख के हमें प्रेरणा मिलती है। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से इनेलो की तरफ से या चौधरी अभय चौटाला की तरफ से कांग्रेस के प्रति थोड़ी सी नरमता दिखाई जाती है, या फिर थोड़ा सा दिखाया जाता है हुड्डा की तरफ, उस तरफ से हुड्डा का बयान आता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा जोशीला हो जाता है, तो क्या कुछ लगता है थोड़ा सा वहाँ से नरमी वो चाहते नहीं हैं इनेलो के साथ जुड़ना, या फिर क्या कुछ है जिससे आपस में जो हमने पहले भी इस बात पर यही एक ही बात कही है, हरियाणा हित के लिए अगर कोई हमारे पास चल के आएगा तो हम उसके ऊपर सोच विचार करेंगे, हमारे पार्टी के सीनियर्स विचार करेंगे, नहीं तो हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस तो अपनी तरफ से यूं माने बैठी कि हम तो चुनाव जीते बैठे हैं, हमारे तो जन समर्थन इस तरीके के। बहुत अच्छी बात है, माने तो मैंने भी यही कहा ना, फिर हम भी अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। आज एक बात मैंने यहाँ पर शेर सिंह राणा से भी पूछी थी, पहलवानों वाला किस्सा पूरा हरियाणा जानता है कि यहाँ पर राजनीति की जा रही है, उस राजनीति के भी आरोप आप समझते हैं जो लग रहे हैं, लेकिन जाति के आधार पर बांटा जा रहा है, राजपूत वर्सेस जाट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दो चेहरे, आज राजपूत बड़ा चेहरा और जाट का बड़ा चेहरा दिखाई दिया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको जाट वर्सेस राजपूत करने वालों को? इस सरकार में बैठे लोगों ने पिछले लगातार 8.5 सालों से सिर्फ हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं देश के अंदर आपसी भाईचारे को जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे कई बार बिगाड़ने की कोशिश करी, लेकिन हमारा हमेशा यही एक कोशिश रही है कि हम इस भाईचारे को टूटने ना दें, इसको बनाए रखें, जनता के बीच में जाकर को लोगों को एक बात समझाएं। और मैं तो जहां कहीं भी जाता हूं मैं एक ही बात ज़रूर कहता हूं सबको कि इस सरकार की कई बार कोशिश रही, मैं तो बधाई देता हूं प्रदेश की जनता को, देश की जनता के, कि उन्होंने इस भाईचारे को कायम रखा, आगे के लिए भी इन पर इन तरह के लोगों से, इन सरकार में बैठे लोगों से बच करके रहिए, आपसी जात पात धर्म से ऊपर उठ करके भाईचारा बना करके देश और प्रदेश के हित के लिए फैसला करें। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से बहुत नम्रता के साथ बात करते हैं, शालीनता के साथ बात करते हैं हम जब भी जुड़ते हैं कर्ण चौटाला के साथ, फिलहाल आज हरियाणा के मुद्दे पर इस परिवर्तन यात्रा को लेकर हमारी चर्चा उनके साथ रही। फिलहाल क्या कुछ सोचते हैं आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, और क्या आपको लगता है कि 2024 में इन्हें लोग कमाल दिखाएगी, फिलहाल वो सब लिखते हुए इस वीडियो को शेयर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय।